बिना लहसुन प्याज की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी और बहुत बार खाई होगी, पनीर वाली। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना प्याज, बिना लहसुन और बिना टमाटर वाली पनीर की सब्जी। तो है ना मजेदार सब्जी। अभी मार्केट में टमाटर बहुत महंगे मिल रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक पनीर की सब्जी। इसमें हम ना ही प्याज इस्तेमाल करेंगे और ना ही टमाटर इस्तेमाल करेंगे और ना ही लहसुन इस्तेमाल करेंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे तो ग्रेवी कैसे बनेगी, तो सोचिए मत, इस वीडियो को देखिए और बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी रेसिपी को घर में बनाइए। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने ग्रेवी बनाई है, वो भी ना ही कुछ इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए बिना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी, वो भी बिना प्याज लहसुन टमाटर काजू क्रीम के बिना। तो सबसे पहले पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। आप इसमें बटर, घी, आपकी मर्जी जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। फिर इसमें हम 1 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन से बहुत अच्छा कोटिंग आ जाएगी पनीर में। तो बेसन को हमें मिलाते हुए 1 मिनट तक भून लेना है। फ्लेम को लो रखेंगे, हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा तो बेसन जल जाएंगे, फिर खाने में कड़वे लगेंगे, इसीलिए लो फ्लेम कीजिएगा। फिर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे, आप नॉर्मल जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट कसूरी मेथी डाल देंगे 1 चम्मच। इन सबको हल्का सा भून लेंगे 1 मिनट के लिए। सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर भून लिया हमने, तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। आप इसमें सादा नमक भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो नमक को मिला देंगे। फिर अब हम इसमें लास्ट में पनीर को डाल देंगे। तो पनीर को मैंने इस तरह क्यूब्स में कट करके ले लिया है। आप बड़े छोटे जैसे टुकड़े पसंद है आपको उस तरह कर सकते हैं। तो मैंने मीडियम टुकड़े में काटा है पनीर को। तो पनीर को डालकर अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे। ज्यादा मिक्स ना करें, नहीं तो पनीर का कचुम्बर बन जाएगा और पनीर टूट जाएंगे, तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। फिर पनीर की सब्जी नहीं, पनीर की भुर्जी बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और अच्छे से कोट कर देंगे मसालों में। और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पे। अच्छे से मसालों की कोटिंग सी दिख रही है, तो इसे हम पैन में ही रहने देते हैं। अब हम मसाला बना लेंगे। एक बर्तन में हम 1 कप से 2 चम्मच कम मैंने दही लिया है। दही से ही हम ग्रेवी बनाएंगे। फिर इसमें हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार, बहुत इम्पोर्टेंट चीज, नमक के बिना तो सब्जी अधूरी है ना। तो नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर कलर के लिए, बेसन डाल देंगे 1 चम्मच। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि बेसन और दही में बड़े टुकड़े ना रहे और ग्रेवी हमारी एकदम मखमल स्मूथ बन के तैयार हो जाए। तो अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे इस तरह। आप स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन हैंड ब्लेंडर से थोड़े अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है अच्छे से। तो अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे और पानी डालकर मिक्स करके इस ग्रेवी को हम साइड में रख देंगे। तो मिक्स करके इसे हम साइड में रख देते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो गैस पे एक कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें हम डाल देंगे घी। आप बटर ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं घी डाल रही हूँ। घी से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है ना, तो दही हल्का सा खट्टा होता है। तो अगर हम इसमें घी डालेंगे तो दही का फ्लेवर को हल्का सा कम कर देता है। घी को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद जीरा और हींग डाल देंगे। हींग बहुत जरूरी है, जरूर डालिएगा। 4 से 5 कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें, ना पसंद है तो बिल्कुल ना डालें। इन सबको हल्का सा भून लेंगे। फिर इसमें हम दही वाला मसाला को डाल देंगे। मसाला को हमने बना के रखा है, तो मसाला को डाल देंगे। तो दही का मसाला डालने से पहले हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ऑयल को हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, क्योंकि गर्म तेल में अगर आप दही को डाल दीजिएगा तो दही कभी कभी फट जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा पहले फ्लेम को बंद कर दें, तेल को हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, फिर इसमें हम दही को डालेंगे। इसे हम दही को डालने के बाद तुरंत मिलाते जाएंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसे हम तुरंत चलाएंगे।
स्टॉप ना करें, स्पैचुला को चलाते रहें जब तक इसमें उबाल ना आए। फिर इसमें हम 3 हरी इलायची को डाल देंगे। तो एक हाथ से मैं स्पैचुला को चला भी रही हूँ और एक हाथ से इलायची को डाल देंगे। तो जब तक ग्रेवी में उबाल ना आ जाए तब तक इसे हमें चलाते रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी दही में फटेगी नहीं और ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो देख सकते हैं उबाल आ चुकी है। तब हम इसमें अदरक डाल देंगे लंबे कटे हुए और मिर्च डाल देंगे। तो मेरे पास जो हरी वाली मिर्च है ना वो लाल हो जाती है, तो वही मैं मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हरी मिर्च है तो वो डालें। ढककर 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हमें पका लेना है, या फिर तब तक पकाना है जब तक मसालों के ऊपर से ऑयल ना दिखने लगे। 10 से 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए मसालों के ऊपर से ऑयल दिख रही है। तब हम इसमें पनीर को डाल देंगे। तो पनीर को हमने पहले ही फ्राई कर लिया है तो इसे हम डाल देते हैं। तो सावधानी से सारी ग्रेवी में पनीर को डाल देंगे। पनीर को डालने के बाद इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से, हल्के हाथों से मिक्स कर देते हैं पनीर को। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। फिर हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर लास्ट में डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच। पानी डाल देंगे हल्का सा, 1 से 2 चम्मच के करीब, क्योंकि ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो पानी को डाल देते हैं ताकि ग्रेवी अच्छे से हमारी बन जाए। और ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, देख सकते हैं आप सारे चीज़ों को। अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को हाथों से इस तरह हल्के से क्रश करके डाल देते हैं। और ये हमारी सब्जी बनके तैयार होने वाली है। बस एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और पैन को कवर करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही इसे हमें 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो ढक देते हैं पैन को और इसे हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। ये हमारी बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना टमाटर, बिना क्रीम, बिना काजू की बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। और इसकी ग्रेवी तो देख ही सकते हैं आप कितना स्मूथ और कितना अच्छा बना है। इस सब्जी को आप बना के जिसे भी खिलाइएगा ना, कोई नहीं बोल सकता है कि इसे आपने बिना टमाटर बिना क्रीम से बनाया है। तो गैस को बंद कर देते हैं और लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़, ऊपर से 1 चम्मच घी डाल देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद ही डालेंगे, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पैन को कवर करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और अब हम एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं और ले चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो जब सब्जी हमारी बन के तैयार हो जाएगी ना, तो लास्ट में घी 1 चम्मच डालने से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप डाल के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं एक सर्विंग प्लेट या फिर बाउल में। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी स्मूथ बनी है ना, एकदम मखमल की तरह। तो जाइए फटाफट इस कम सामान से पनीर की सब्जी को घर में बनाइए। और पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।